अगर आवाज ना तुरंत बताई दी तो हटाए देंगे। नहीं हुआ अभी। हाँ हो गया। देखो कितने लोग लाए। पूरा फोलो एक फिर देखो सुनते रहे। आने लगे यदि आवाज आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिखें। गुड मॉर्निंग गौतम कुमार। गुड मॉर्निंग। आवाज चेक करो एक बार तुम्हारा फोन कर। हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक है। धीरे धीरे सभी लोग गायब आ जाइए। जैसा कि आपको पता है पहली क्लास आपकी हम पढ़ाएंगे पॉलिटी संविधान। तो जितने भी लोग हैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप सोशल मीडिया ऐप आप क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफी लोग जुड़ रहे हैं। अभय कुमार आशीष ठाकुर ब्रज किशोर सिंह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनी गुड मॉर्निंग। ठीक है ओके ठीक है। लोग आते रहेंगे लाइव धीरे धीरे हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में राज्य की व्यवस्थापिका चल रही थी। राज्य की व्यवस्थापिका तो एक बार हम लोग क्लियर करें कनेक्ट करते हैं कि थे कहां पे संविधान में क्या पढ़ रहे थे और आज पढ़ना क्या है। हम लोग सरकार का विधायी अंग पढ़ रहे थे। सरकार के विधायी अंग में संसद को पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है सरकार सरकार के बारे में हमने आपको बताया था। दिख रहा है तो सरकार के बारे में हमने आपको बताया था कि सरकार क्या है। जो देश को चलाए वो सरकार है। सरकार के तीन अंग होते हैं कौन कौन से। व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो जो सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका कहते हैं, उस विधायिका को हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में विधायिका को दो रूपों में देखा जाता है, विधायिका कहें या व्यवस्थापिका। एक बार देख लो, सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, जबकि न्यायपालिका का काम है बने हुए कानून पर संरक्षण करना, कानून की देखरेख करना। इन संस्थाओं का काम है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये सरकार के जो अंग हैं, ये देश को चलाने में अपनी प्रतिभागी, देश को चलाने में इनकी बड़ी भूमिका है। सरकार की व्यवस्थापिका को हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में अगर बात करें तो व्यवस्थापिका को दो रूपों में देखते हैं, एक संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य की व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को हम लोगों ने पढ़ा था, संघीय व्यवस्थापिका जैसे संसद, राज्य की व्यवस्थापिका जैसे विधानमंडल। संसद के बारे में हम लोग संघीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ना है। एक बार हम लोग कनेक्ट हो जाओ कि हमें पढ़ना क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ क्या रहे थे, उसके बाद हम आज से क्लास शुरू करेंगे और आज से आपको बताएंगे कि पढ़ना क्या है। संघीय व्यवस्थापिका या संघीय विधायिका संसद को पढ़ चुके हैं, राज्य की व्यवस्थापिका को पढ़ना है। संसद का काम क्या है, जैसा आप लोग जानते हैं, संसद का काम है जब देश के लिए कानून बनाया जाए, जब कानून पूरे भारत के लिए बनना हो तो संसद में बनेगा, जब कानून पूरे राज्य के लिए, किसी विशेष राज्य के लिए बनना हो तो कहां बनेगा, विधानमंडल में। संसद हम लोग पढ़ चुके हो, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। संसद के दो सदन और तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये बातें पहले से जानते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है ये बात भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि किसी भी विधेयक को अगर कानून का रूप देना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना विधेयक कानून नहीं बनता है, इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होते हैं, संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 के तहत होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उसमें कितने सदस्यों की संख्या होती है, इन बातों को हम लोग पहले ही जान चुके हैं। आज राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल, जब देश में कानून बनना हो, जब देश के लिए कानून बनाना हो तो संसद में बनाएंगे, जब किसी राज्य के लिए कानून बनाना हो तो विधानमंडल में। पहले ही बताया था, जैसे बिहार सरकार ने कानून बनाया है बिहार के लिए, मादक पेय पदार्थ प्रतिबंधित होंगे, क्योंकि आप धूम्रपान निषेध है, बिहार की सरकार ने अपने लिए कानून बनाया है। अब ये जो कानून है सिर्फ बिहार में ही लागू है, जब ये किसी एक राज्य के लिए बना है कानून तो कहां बना होगा, विधानमंडल में। अगर ये कानून की धूम्रपान निषेध है और ये कानून अगर पूरे देश में लागू हुआ होता तो ये कानून कहां बना होता, संसद में। तो विधानमंडल क्या है, सरल शब्दों में समझो कि किसी राज्य को अपने लिए, किसी एक राज्य को या एक से अधिक राज्यों को जब कानून बनाना हो तो वो विधानमंडल में बनाएगी, संसद में नहीं। संसद में तो ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो पूरे देश में लागू होंगे।
तो आइए हम लोग विधानमंडल पढ़ते हैं कि विधानमंडल होता क्या है, विधानमंडल की परिचर्चा संविधान में कहां की गई है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं विधानमंडल ऑफलाइन क्लासेस में विधानमंडल थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था। विधानमंडल की परिचर्चा संविधान के अनुच्छेद 168 में की जाती है। अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में विधानमंडल होगा। सिर्फ इतनी बात कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में विधानमंडल होगा, ये बात कहता है अनुच्छेद 168। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 168 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। और अनुच्छेद 168 और क्या कहता है, तो पहली बात भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, अनुच्छेद 168 ये भी कहता है कि भारत के राज्यों में विधानमंडल दो प्रकार का होगा। विधानमंडल की अवधारणा, राज्यों में दो प्रकार के विधानमंडल होंगे। तो भारत में विधानमंडल दो प्रकार के होंगे। भारत में जो विधानमंडल है वो दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से विधानमंडल, एक सदनात्मक विधानमंडल और दो सदनात्मक विधानमंडल, जिन्हें हम लोगों ने पहले पढ़ा था। एक सदनात्मक विधानमंडल भारत में होगा और दो सदनात्मक विधानमंडल, एक सदनात्मक विधानमंडल, दो सदनात्मक विधानमंडल। प्रत्येक राज्य में, भारत में राज्यों में दो प्रकार के विधानमंडल हो सकते हैं, एक सदनात्मक विधानमंडल, दो सदनात्मक विधानमंडल। अब प्रश्न ये है कि एक सदनात्मक क्या होता है, दो सदनात्मक विधानमंडल क्या है, विधानमंडल को ऐसा बनाने की क्या जरूरत पड़ी संविधान निर्माणकर्ताओं को। तो आइए जानते हैं कि विधानमंडल, एक सदनात्मक विधानमंडल क्या है, दो सदनात्मक विधानमंडल क्या है। अगर हमें ये बात जाननी है कि एक सदनात्मक विधानमंडल क्या है, दो सदनात्मक विधानमंडल क्या है, तो सबसे पहले हम संसद पढ़ते हैं, थोड़ा संसद को जान लो, क्योंकि चीजों को जब हम तुलना करके पढ़ते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। देखो, दिख रहा है ना, हमने आपको संसद में बताया था, संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक राज्यसभा, दो सदन होते हैं संसद के, दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, देखिए जरा, ठीक है मैं क्लियर कर रहा था, यहां तक दिख रहा है। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल सामान्यतः विधानमंडल के होते हैं, विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल का काम क्या है, राज्यों के लिए कानून बनाना। अब भाई इतने बड़े राज्य हैं तो विधानमंडल चाहिए,
विधानसभा और विधान परिषद, ये दो नौकर विधानमंडल की हेल्प करेंगे जब राज्यों के लिए कानून बनेगा। अब भारत, अब एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि भारत में जितने लोग हैं सब नौकर रख ले? नहीं ना, नौकर कौन रखेगा? जो थोड़ा सा अमीर होगा, जो थोड़ा पैसे वाला होगा, जिसकी आर्थिक स्थिति सही होगी, वही तो नौकर रख पाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान में ये प्रावधान किए गए कि जरूरी नहीं है कि भारत के सभी राज्य अमीर हो, जरूरी नहीं है कि भारत के सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो दोनों कर रखेगा। जैसे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास, 6 राज्यों के पास विधानमंडल में 2 नौकर है, विधानसभा और विधान परिषद, 6 राज्यों के पास। 6 राज्यों को छोड़कर भारत के और जितने राज्य बचे हैं उनके पास 2 नौकर नहीं है, उनके पास विधान परिषद है ही नहीं, सिर्फ 1 नौकर है विधानसभा। ये बात समझ आई? इतनी बात अगर क्लियर हुई हो जरा हम कमेंट देख लें। सर, न्यू बैच में भाग 2 नागरिकता शुरू करने वाले थे, ठीक है, ओल्ड वाले अभी हम आपके लिए भी सोचेंगे, जो न्यू यूपीएसआई न्यू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सोचेंगे हम। जी जी हाँ हाँ जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ हमेशा ही छुट्टी बनी रहे, लॉकडाउन लगा रहे, ऑफलाइन क्लासेस भी होगी। पहले मैं यूपीएसआई ओल्ड को कंटेंट लेके चलता हूँ, क्योंकि इसका जो हमारा जो बैच है ये 7 जून को समाप्त होना है। तो जो लोग यूपीएसआई न्यू वाले हैं वो भी, उनके लिए चीजें ये आपको भी पढ़ना है, आगे चल के पढ़ना है। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, जब हम आपको भाग 2 के बाद ये चीजें पढ़ाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ओके, ठीक है, आइए वापस आते हैं। तो हमने आपसे कहा कि अनुच्छेद 168 कहता है भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल होगा तो चाहे राज्य तो एक सदनात्मक विधानमंडल रख ले, राज्य चाहे तो 2 सदनात्मक विधानमंडल रख ले, जरूरत के हिसाब से। क्योंकि जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो अब बताओ क्या वो 2 नौकर रख सकते हैं? जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो 1 ही नौकर रखेंगे, और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, खूब रुपया पैसा है जिन राज्यों में, वो 2 नौकर रखेंगे। तो एक सदनात्मक विधानमंडल का मतलब ये है कि जिन राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है, विधानसभा नहीं है, सॉरी, जिन राज्यों में विधानसभा है विधान परिषद नहीं है। देखो, एक सदनात्मक विधानमंडल के पास विधानसभा होती है, एक सदनात्मक विधानमंडल के पास विधान परिषद का अभाव होता है, विधान परिषद नहीं होती है, विधान परिषद नामक नौकर का अभाव होता है। क्योंकि एक सदनात्मक विधानमंडल वो विधानमंडल होते हैं, उन राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल बनाए जाते जो राज्य आर्थिक रूप से कमजोर है, जो राज्य सक्षम नहीं है, जो राज्य कमजोर है उनमें एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात वो 1 नौकर रख पाएंगे विधानसभा। अब बताओ, जो राज्य पैसे वाले हैं वो तो 2 नौकर रखेंगे ना, जो पैसे वाले हैं वो 10 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, चाहे कितने भी पैसे वाले राज्य हो जाएं, 2 से ज्यादा नौकर नहीं रख सकते। तो जरा हमें बताइए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास 2 सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात जो पैसे वाले हैं विधानमंडल के हिसाब से, बताइए जरा, आंसर दीजिए इस प्रश्न का। भारत में कितने ऐसे विधानमंडल हैं
भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें दो सदनात्मक विधान मंडल है? कमेंट देखता हूं मैं। तीन राज, छह राज, वेरी गुड। वैभव आसू, तीन राज। जो लोग हमसे पढ़े हैं पहले, उनका आंसर सही होगा। वैभव आसू छह के पास सर, ठीक है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि छह राज्यों के पास विधान द्विसदनात्मक विधान मंडल है, बिल्कुल सही बात है। भारत में छह राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनात्मक विधान मंडल है। सरल भाषा में कहें तो भारत के छह ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से सक्षम है। छह ऐसे राज्य हैं। तो जरा आप हमें ये बताओ, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ, हम बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, छह कौन से राज्य हैं जिनके पास द्विसदनात्मक विधान मंडल है। आप लोग भी बताओ, हमारे सामने एक दो लोग बैठे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो लोग भी लिख के बताएं कि कौन से छह राज्य हैं जिनके पास विधान मंडल है, द्विसदनात्मक विधान मंडल। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आप जब लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। जरा बताइए, सर प्लीज नागरिकता शुरू कीजिए, यूपीएसआई न्यू, ठीक है, करेंगे आपको भी। यूपीएसआई ओल्ड वालों की 8-10 क्लासेस में इनका संविधान समाप्त हो जाएगा, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे, परेशान मत होइए। जिम्मेदारी ली है आपकी, सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, चिंता मत करिए। यूपीएसआई न्यू वाले बच्चे जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जो उनका क्वेश्चन है, सर आप भाग दो पढ़ा रहे थे, तो देखो दोनों चीजें एक पढ़ाई जा सकती ना, संसद पढ़ा रहे हैं, राज्य विधानमंडल पढ़ा रहे हैं, और एक साथ आपको हम भाग दो नहीं पढ़ा सकते। 7-8-10 क्लासों में यूपीएसआई ओल्ड को हम कंप्लीट कर देंगे, और यूपीएसआई ओल्ड वाले जैसे ही कंप्लीट होंगे, हम यूपीएसआई न्यू के लिए कुछ सोचेंगे जरूर। वेरी गुड। टीवी जुकाम ट्रिक, हम आपकी ट्रिक से समझ गए हैं कि आपको पता है कि छह राज्य कौन कौन से हैं। अगली बात कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चलिए, क्योंकि अभी आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, तो अपना नोट्स आपको खुद से तैयार करना है ना, अपना नोट्स खुद से तैयार करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते एक स्टेप, और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से छह राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से इसे नोट्स में लिखना। अब आप समझदार हो, ऑफलाइन क्लास में हम कहते थे कि परिभाषाएं बनाना सीखिए, तो अपने हिसाब से विधानमंडल को लिखना है, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल देख रहे थे, द्विसदनात्मक विधानमंडल, भारत के छह राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। छह राज्यों में कौन कौन से छह राज्य हैं तो देख लो, छह राज्य, हमने ट्रिक भी आपको बताई थी, छह राज्यों की ट्रिक कौन सी है, टीवी जुकाम।
तो पहले हम राज्य लिख देते हैं, फिर आपकी ट्रिक लिख देंगे, या तो आपको ट्रिक पता होगी नहीं तो हम लिख देंगे बोर्ड पे। तो छह राज्य जान लीजिए, पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना भारत का ऐसा राज्य है जिसमें दो सदनात्मक विधानमंडल है, जिसके विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदन होते हैं, तेलंगाना। दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार। तीसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। चौथा राज्य भारत का कौन सा है जिसमें दो सदनात्मक विधानमंडल है? कर्नाटक। पांचवा राज्य भारत का कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और छठा राज्य भारत का कौन सा है? महाराष्ट्र। और छठवां राज्य भारत का महाराष्ट्र है। ये भारत के छह ऐसे राज्य हैं जिनमें दो सदनात्मक विधानमंडल है, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों के विधानमंडल में दो सदनात्मक विधानमंडल है। कहने का तात्पर्य है इन राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है। पूछा गया प्रश्न है, इन्हें याद रखना। चाहो तो आप ट्रिक भी लिख सकते हो। इसकी ट्रिक आपको हमने पहले भी बताई थी, टीवी जुकाम। इसकी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, टीवी जुकाम। टीवी जुकाम, इस जे को काट देना। जे से मतलब है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जम्मू कश्मीर में दो सदनात्मक विधानमंडल नहीं है। टी से देखो तेलंगाना, बी से बिहार, से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। ये ट्रिक आप भी लिख लीजिए कहीं, ताकि आपको याद रहे, है ना। समझाते समझाते इन बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं है कि हम आपको समझाने के बाद लिखाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है और आपकी क्लास 7-8 क्लासेस में पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, ज्यादा बची भी नहीं थी। ठीक है, आपने लिख लिया होगा छह राज्यों में विधानमंडल है, दो सदनात्मक विधानमंडल। जरा हमें अगला प्रश्न बताइए, भारत के वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में जो राज्य है वो 28 राज्य है। वर्तमान में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। ध्यान से सुनना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत कहते हैं। अब जरा हमें एक बात बताइए कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें वर्तमान में विधानमंडल है? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानमंडल है? केंद्र शासित और राज्य जिनमें विधानमंडल है, कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। गौरव सिंह 31, आदित्य चौधरी 31, ठीक है 31। प्रश्न आपने सही से सुना है, भारत के कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है? वैभव 28,
सनी यादव 31। ठीक है, बताते हैं आपको। तो भारत के कुल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा है, लेकिन सब में भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है। कितनों में है? 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, सब में नहीं है। सब कितने हुए? 28 और 8 कितने होते हैं? 28 और 8 36। वर्तमान में भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, सिर्फ 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, ठीक है, आगे बात सुनिए। कमेंट पे ज्यादा ध्यान ना हो आपका, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो अब हमें जरा बताइए, 31 राज्यों के पास विधानमंडल है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, द्विसदनात्मक कितने हैं? अभी आपको बताया है, द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों के पास है? 6 राज्यों के पास। ये बात हमने अभी सीखी है, 6 राज्यों के पास। अगर द्विसदनात्मक विधानमंडल 6 राज्यों के पास है तो भारत में तो विधानमंडल दो ही प्रकार का है, द्विसदनात्मक विधानमंडल और एक सदनात्मक विधानमंडल। तो जरा आप हमें एक बात बताइए, कितने भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास एक सदनात्मक विधानमंडल है? बताइए जरा कितने हैं? टोटल 31 है, 6 के पास द्विसदनात्मक है, तो कितने बचे? 25। 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास एक सदनात्मक विधानमंडल है, एक सदनात्मक विधानमंडल 25 राज्यों के पास, 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 25 के पास एक सदनात्मक है, 6 राज्यों के पास दो सदनात्मक है। कुल मिलाकर भारत के राज्यों के पास विधानमंडल कितनों के पास है? 31 राज्यों के पास। अब कंफ्यूजिंग यहां हो रही होगी कि सर जी 6 राज्यों के पास, यहां पे आपने लिखा है दो सदनात्मक है, यहां आपने लिख दिया है 25 राज्य और केंद्र शासित के पास। हाँ सही लिखा है, द्विसदनात्मक विधानमंडल सिर्फ राज्यों के पास है, केंद्र शासित प्रदेशों के पास नहीं है, इसलिए हमने लिखा है कि 6 राज्यों के पास विधानमंडल द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक विधानमंडल में राज्य नहीं है, राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। हमने बताया था कि 25 एक सदनात्मक विधानमंडल में 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास है और 22 राज्यों के पास एक सदनात्मक विधानमंडल है। 3 केंद्र के पास और 22 राज्य के पास, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें एक सदनात्मक विधानमंडल है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर। 22 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनके पास एक सदनात्मक विधानमंडल है, 22 राज्य। अब आप कहोगे सर कौन कौन से हैं? तो 6 राज्य ये छोड़ के जितने राज्य बचे हैं जिनके पास द्विसदनात्मक विधानमंडल है, इन राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी भारत में राज्य बचे हैं उनके पास एक सदनात्मक विधानमंडल है। तो क्या ये बात क्लियर है? यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखिए। अगर चीजें यहां तक समझ आ रही हैं, तो हमें यस लिख के सूचित करिए कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। ओके, अब हमें दूसरी बात बताइए, क्या लाइट सही है? आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है यहां बोर्ड पे? क्या बोर्ड पर लाइट सही है, आपको दिख रहा है?
ओके ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, दिख रहा है। यस सर ओके, यस सर ओके ठीक है। वॉइस भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। हम कोशिश करेंगे कि वही चीजें आपको दे पाए जो ऑफलाइन क्लासेस में देते थे। देखो हम लोगों के लिए ये जो कैमरा है ये नया है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि कैमरे से एक निर्जीव वस्तु सामने है, तो उसे देखकर पढ़ाना थोड़ी देर के लिए हम लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। क्योंकि जब आप लोग होते थे तो आप लोगों का क्लास भी लगा देते थे, कहते थे आप बातें मत करिए, है ना, पीट भी देते थे, पिटाई भी लगाते थे, गुस्सा भी करते थे। अब बताओ सामने फोन है, कैमरा है, इससे गुस्सा कैसे करेंगे? ये फीलिंग्स को नहीं समझता है ना। कंप्यूटर मशीनरी, इंसान और कंप्यूटर में अंतर क्या है, मोबाइल और इंसान में अंतर क्या है, ये भावनाओं को नहीं समझता है, ये फीलिंग्स को नहीं समझता है। और जब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ना दे, एकदम बिल्कुल मुंह को बैठा रहे, ऐसा लगे कि आगरा से आया है, तो लगता है कि पढ़ाने में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि सामने से कोई जवाब ना आए तो दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल हो रहा है। एक दो क्लास में आप फिर भी चीजें समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई थी क्योंकि आज फिर से कुछ दिक्कत थी नेटवर्क। धीरे धीरे हम लोग उन चीजों को जान लेंगे, सीख रहे हैं अभी कैसे सिस्टम लगाना है, कैसे सेटअप लगाना है। धीरे धीरे आपको क्लास प्रॉपर तरीके से मिलेगी, और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं कर सकते। क्या हम और पढ़ा सकते हैं, जरा बताइए सर, कितने मिनट की हुई क्लास? 38। ठीक है तो थोड़ा और आप देख लो 5 मिनट, फिर कल आपका विधानमंडल क्लियर होगा। और इसके बाद कोई सर जी पढ़ाएंगे आपको, हिमांशु सर या कुलदीप सर, जो भी कल टाइम टेबल रहा होगा कुलदीप सर का हो तो कुलदीप सर पढ़ाएंगे, जिसका मेरे बाद जिसका नंबर आपको टाइम टेबल कल बताया गया था। ठीक है, और जिन लोगों को भी क्लास से रिलेटेड कोई दिक्कत हो वो कॉल कर ले हिमांशु सर से, जो भी दिक्कत हो, है ना। बच्चे ये असमंजस में है कि सर हमारा चल नहीं रहा है, न्यू बैच वाले यूपीएसआई न्यू और यूपीएसआई ओल्ड वाले, तो हम क्लियर करवा रहे हैं। न्यू वाले कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा भी शुरू करिए, भाग दो पढ़ा रहे थे आप, उनका भी देखा जाएगा। विधि के समान संरक्षण, कानून सबके लिए बराबर है, जिम्मेदारी ली है हमने, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बस धैर्य रखिए। ठीक है, इस तरह अगर आप पढ़वाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि चीजें अभी आपको मिलने लगी है, बहुत बड़ी बात है। आगे भी बेहतर तरीके से, इससे और अच्छी तरीके से आपको चीजें मिल पाए, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी स्ट्रेटजी है कि आपको चीजें बेहतर तरीके से मिल पाए। ठीक है, 5 मिनट और आपकी क्लास लेंगे, इसके बाद कुलदीप सर आएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना सकते, है ना, आपको दिक्कत होगी, यहाँ पे बफरिंग ज्यादा होगी अगर एक घंटे। यूपीएसआई ओल्ड वालों का सिलेबस पॉलिटी का समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा कि अनुच्छेद 168 कहता है, एक बार रिवाइज करते हैं, अनुच्छेद 168 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल राज्यों की स्थिति के हिसाब से दो प्रकार का हो सकता है। राज्यों की स्थिति ठीक है तो द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाइए, राज्यों की स्थिति सही नहीं है तो एक सदनात्मक विधानमंडल बनाइए। द्विसदनात्मक विधानमंडल भारत के 6 राज्यों में है। एक सदनात्मक विधानमंडल भारत के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो आगे देखते हैं विधानमंडल का गठन,
सामान्यता यदि हम द्विसदनात्मक मान के करें तो विधानमंडल का गठन विधानसभा और विधान परिषद से होता है। विधानसभा और विधान परिषद अनुच्छेद 168 के तहत भारत में एक विधानमंडल होगा, अनुच्छेद 169 भारत में एक राज्यों में एक विधान परिषद होगी, अनुच्छेद 170 भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। इन बातों को हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा था। आगे की बात करते हैं। जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी चीजें ऊपर से जा सकती हैं, चीजें कम समझ आ सकती हैं, क्योंकि प्रश्न ये हो सकता है। ऑफलाइन क्लासेस में तो हम समझ जाते थे आपके चेहरे हंस रहे हो, यहां हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि चीजें किस स्तर से समझाई जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीजें बहुत ही सरल भाषा में समझाई जाए। इतनी बातें तो तुम जान ही चुके हो कि विधानमंडल राज्यों में कानून बनाता है, और राज्यों को जब कानून बनाने में दिक्कत हो तो राज्यों ने दो नौकर रखे हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ये राज्यों को के विधानमंडल को कानून बनाने में सहायता करती है कि विधानमंडल के जो नौकर हैं, एक नौकर का नाम विधान परिषद है, दूसरे नौकर का नाम विधानसभा है। क्लियर? हमने आपको बताया था, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं दो मिनट। जैसे हमने आपको पढ़ाया था संसद, संसद में हमने आपको बताया था संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधान मंडल में जो विधानसभा है उसकी तुलना आप लोकसभा से करिए। लोकसभा एक अस्थाई सदन है, लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये निम्न सदन है। लोकसभा की तुलना आप विधानसभा से करिए। विधानसभा अस्थाई सदन है, ये विधानमंडल का निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऐसे ही आप राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से करिए। राज्यसभा एक स्थाई सदन है, राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही राज्यसभा की तुलना आप देखिए, लोकसभा की तुलना विधानसभा से, राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से। विधान परिषद एक उच्च सदन है, विधान परिषद एक स्थाई सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता। जिन राज्यों में विधान परिषद है वो विघटित नहीं होता, इसका चुनाव नहीं होता, विधान परिषद का एक साथ चुनाव नहीं होता, एक साथ विघटित नहीं होती। विधान परिषद के बारे में कुछ बताया भी था। आगे की बात कर लेते हैं। ये निम्न सदन है, ये अस्थाई सदन है, विधान परिषद के बारे में जानते हैं, विधान परिषद उच्च सदन है, विधान परिषद स्थाई सदन है। जिस तरह संसद का लोकसभा निम्न सदन था, वैसे ही विधानसभा निम्न सदन है। विधानमंडल का निम्न सदन कौन है? विधानसभा। विधानमंडल का उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। विधानमंडल का अस्थाई सदन कौन है? विधानसभा। विधानमंडल का स्थाई सदन कौन है? विधान परिषद। जरा हमें बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। जरा हमें बताइए।